आगे मोदी, मोदी जी के पीछे मोदी, आगे मोदी पीछे मोदी, दोनों कितने मोदी। अरे साहब ये हम पर आरोप लगाते हैं बारी बारी, बोले इसी मंच से कि राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र का राजनीति का के प्रवेश के खिलाफ है, बोले इसी मंच से कल्याण सिंह जी के सुपुत्र की राजनीति के खिलाफ है, बोलिए इसी मंच से दुष्यंत सिंह के खिलाफ है, बोले इसी मंच से, बोले इसी मंच से शिवराज चौहान के सुपुत्र के खिलाफ, इसी मंच से बोलिए अमन सिंह के सुपुत्र के खिलाफ। ऐसे नहीं हो सकता, बड़ा आसान है ये लोग राजनीतिक पार्टी पारिवारिक पार्टी। अरे आपके यहाँ जितनी आपने इनका माइक तो बंद नहीं किया, किसी का माइक बंद नहीं किया। देखिए यहाँ महिला स्टूडेंट्स बैठे चाहिए, वाजपेयी जी आएंगे जी।
घटक दल बीजेपी के ऑफिस में कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोलूंगा ना। देखिए सुनील जी कैसे दबाते हैं घटक दल। भाई आप एंकरिंग करिए, अनुराधा प्रसाद जी कोई बोलगा। अनुराधा जी अगर सुन देख रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इन्होंने कहा, मैं तो शांति से सुना बैठा, मैंने एक शब्द नहीं बोला। जब मैं बोलूंगा तो आप पीछे बोलना शुरू कर। आप तब से बोल रहे हो एक शब्द नहीं बोला। देखो बीजेपी यही है झूठी पार्टी, भारतीय जनता की झूठी पार्टी। अरे एक एक करके बोलेंगे, सुप्रीम को भी सुनाई देगा, दर्शकों को भी सुनाई देगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक एक करके बोले। देखिए कुछ सवाल अभी पवन जी ने उठाए। पवन जी ने हमें करप्शन के ऊपर इंगित किया। पवन जी मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, अभी मार्च का महीना चल रहा है, थोड़े दिनों में अप्रैल में घुसेंगे। अप्रैल 21 को सोनिया जी और राहुल जी दोनों पटियाला कोर्ट के सामने पेश होंगे, क्योंकि दोनों बेल पे बाहर है। इसलिए बेल पे बाहर है 5,000 करोड़ रुपए देश का गबन करने, सूती कपड़े पहनकर, सूती कपड़े पहनकर किस प्रकार देश को लूटा जाता है। मोदी जी के सवाल जानने के लिए आपको नीचे होना भी जाता है। मैंने आपसे पूछने बोला आपका डिबेट ऐसे ही होगा, आप डिबेट ऐसे ही होगा। आप अगर आवाज नहीं सुनना चाहते हैं तो डिबेट करा लीजिए। हम लोग बहुत साफ साफ से बोल रहे हैं, आज में कौन सा नहीं हो पाता, कंट्रोल नहीं होता। आरटीआई का सवाल नहीं दिख रही है ना, सवाल आप एंट्री नहीं कर सकते हैं तो किस और बोल रहे हो। जब ये बोल रहे थे मैं बोल रहा था, क्या सहमत हो सकते हैं कि एक एक डेढ़ मिनट सबको दें उसके बाद आगे बढ़े और कोई भी से नहीं बोले। कोई भी सहमत होने की लेकिन आप मानेंगे, आप ही रूल को माने, रूल को माने। इसने रूल तोड़ा, पहले आप जनता बैठे हैं, अन्याय मत करिए। इसने रूल तोड़ा बताइए। अब सहमत मैं तो बिल्कुल। अरे हम लोग तो सच्चाई के साथ हो गया।